मेरी तारे तन्नाटी अभी हूँ। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह के नवे निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के दो भागों का अध्ययन हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। इस निबंध के निबंधकार डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, जिन्होंने बताया है, इस निबंध में बताया है कि किस प्रकार से जो तुलसीदास के मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, वे सामान्य जन के हैं, स्त्रियों के लिए हैं, और जो नीची समझे जाने वाली जातियां हैं और पशु पक्षी हैं, उनके प्रति उनकी भावनाएं किस रूप में महत्वपूर्ण हैं, कि उन्होंने हमेशा पुरोहित वर्ग और सामंत वर्ग का विरोध करते हुए एक सामान्य जन की भावनाओं का आदर किया है और इसकी भक्ति को भी इतना ही आदरणीय पूजनीय माना है, और कहा है कि जो राम के भक्त हैं वे सभी इसी प्रकार की नीची जातियों के जो लोग हैं वो ही हैं। और इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण मानवतावाद की स्थापना की है। तो लेखक के अनुसार तुलसी के इसी प्रकार के जो मानववादी मूल्य हैं और जो भक्ति है उसी को उजागर करना इस निबंध का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस निबंध के तीसरे भाग में तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी की भक्ति मानववाद में डूबी हुई है। यह कवि मनुष्य का सबसे बड़ा उपासक है। उन्होंने मानववादी परंपरा को ही आगे बढ़ाया है, जैसा कि लिखा भी है, न मानुषात श्रेष्ठतर ही किंचित। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने बताया है कि वे भक्त को भगवान से भी बड़ा बताते हैं। इसका उदाहरण देते हैं कि जब भरत चित्रकूट जाते हैं तब बादल उन पर छाया करते चलते हैं, शीतल हवा चलती है, और राम को भी मार्ग वैसा सुखद नहीं होता जैसे भरत के, और अंत में वह स्पष्ट कह देते हैं कि मोरे मन प्रभु असविश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। यानी कि राम से भी ज़्यादा जो राम का भक्त है, जो कि उनका गुणगान करता है, उनका राम है वे ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उनके जीवन में सुख और आनंद अधिक पैदा होता है, अधिक मिलता है। इसी प्रकार से राम के प्रति तुलसी का सेवक भाव है। दरिद्रता और सामाजिक उत्पीड़न के बीच तुलसी राम की तरफ हाथ उठाते हैं। कितनी व्यथा के साथ वह कवितावली और विनय पत्रिका के अनेक पदों में देखा जा सकता है। ऐसी पीड़ा, ऐसा उत्कट आत्मनिवेदन हिंदी साहित्य में और कहीं प्रकट नहीं हुआ। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, उन्होंने अनुभव किया था आगी बड़वागी बागी से बड़ी है आगी पेट की। उन्होंने राम से प्रार्थना की थी कि दरिद्रता के रावण ने संसार को दबा रखा है, आकर रक्षा करो। दारिद दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हहा करे। इसलिए वह इतना व्यथित होकर राम से कहते हैं, तुम जनी मन मेलो करो, लोचन जनी फेरो। हे राम, तुम मेरे प्रति जो नेत्र है वह मत फेर लो, अपने नेत्र को मत फेर लो। यानी जो जो कृपा की दृष्टि मुझ पर पड़नी चाहिए ताकि मेरा उद्धार हो, हे राम, तुम वह कृपा की दृष्टि बराबर मुझ पर बनाए रखना। इस अगले गद्यांश में लेखक ने लेनिन का उदाहरण दिया है, जो कि एक रहस्यमय देव की तरफ हमेशा हाथ उठाते थे। उनके अनुसार लेनिन की मृत्यु पर स्टालिन ने कहा था, अतीत काल में बीसियों नहीं सैकड़ों बार श्रमिक जनता ने कोशिश की है कि अपनी पीठ से उत्पीड़कों को उतार फेंकें और अपने भाग्य डोर अपने हाथ में लें, लेकिन हर बार परास्त और अपमानित होकर उसे पीछे हटना पड़ा है। हृदय में क्षोभ और लांछन, क्रोध और निराशा भरे हुए उसने किसी रहस्यमय देव की तरफ हाथ उठाए हैं, जहां उसे मुक्ति की आशा थी। इसमें भी यही बताया गया है कि
जो जनता है वह एक रहस्यमय देवता की तरफ या निर्गुण निराकार देवता की तरफ या सगुण सागर देवता की तरफ एक भावभरी दृष्टि से जनता है वह देखती है और अपना उद्धार करवाना चाहती है। राम की तरफ तुलसी के सेवक भाव पर जैसा प्रकाश इन पंक्तियों से पड़ता है वैसा आलोचना की बीसीय पोथियों से नहीं पड़ता। राम उनके लिए आशाओं का केंद्र बन गए, अपमान और लांछन का मुकाबला करने के लिए एक अस्त्र बन गए। जब वह लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाते देखते हैं तो वे मना करते हैं, गज जाचिए कौन जाचिए तो जिए जाचिए जान की जान ही ते। राम उनके लिए दारिद्र दोष दावानल हैं जो औरों के सामने जांचना खत्म कर देते हैं, इसी तरह ललकारते हुए दिखाई देते हैं। जिन डोल ही लोलुप कुकर जो तुलसी भजु कोसल राज हीरे। जब वह सामंत को गजशाला और पत्नीशाला से सुशोभित अपनी संपत्ति पर गर्व करते देखते हैं तो कहते हैं, ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जुपे जानकी नाथु के रंग न राते। यानी कि जब तक तुम जानकी नाथ यानी श्री राम के रंग में पूरी तरह से डूब नहीं जाते हो तो मात्र गजशालाओं से हाथियों की शालाओं से और पत्नीशालाओं से सुशोभित होने से भी कोई फायदा नहीं होगा। असली आनंद और सुख का जो भाव है वह राम की भक्ति में ही मिलेगा। तुलसी के राम उनके आशाओं के केंद्र ही नहीं है। मनुष्य में वह जिन तमाम नैतिक गुणों को प्यार करते थे वह उनके प्रतीक भी थे। ब्रह्म रूप से भले ही वह निर्गुण निर्विकार हो, मानव रूप में वह किसी देश काल की सीमाओं में गतिशील समाज के मानव का ही प्रतिबिंब हो सकते हैं। तुलसी के राम भारतीय जनता के नैतिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके चरित्र में पितृभक्ति भातृप्रेम आदि पर बार बार लिखा गया है, लेकिन तुलसीदास का लक्ष्य परिवार में पिता के अधिकार की रक्षा करना न था। राम को मानवीय सहानुभूति माता पिता भाई निषाद सभी के लिए है। विशेषता है कि जो जितना त्यागी है निस्वार्थ है और दलित है राम का प्रेम उसके लिए उतना ही अधिक है। भरत और निषाद पर उनका प्रेम इसी कारण है। यह प्रेम पारिवारिक संबंधों पर ही निर्भर नहीं है, उसका आधार व्यापक सामाजिक संबंध है। समाज में चाहे दुखी दिनों और निस्वार्थ सेवकों को कोई न पूछे, राम उन्हें पूछने वाले हैं। इस प्रकार से जो राम है वे सबके राम हैं, चाहे वह किसी भी जाति धर्म या वर्ग का क्यों नहीं हो। तुलसी के राम न्याय अन्याय के संघर्ष में तटस्थ नहीं है, वह न्याय का सक्रिय पक्ष लेते हैं। लक्ष्मण से मुकाबले में वह ज़्यादा धैर्य दिखलाते हैं, लेकिन उनके धैर्य की एक सीमा है। वह सीमा पार होने पर वह शस्त्र उठाने में जरा भी आगा पीछा नहीं करते। वह गुण हमारी जनता का विशेष गुण है। वह बड़ी सहनशील है, लेकिन एक सीमा तक ही। उस सीमा के पार होने पर वह अन्याय को दंड देने के लिए उठ खड़ी होती है। रासलीला वाले कृष्ण की अपेक्षा तुलसी को धनुर्धर राम अधिक प्रिय हैं, उसका यही कारण है। राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। इस प्रकार से जब परशुराम का क्रोध सीमा पार कर जाता है तब राम उन्हें दृढ़ चेतावनी देते हैं, देव धनुज भूपति बटनाना समबल अधिक होई बलवाना, जोरन हम ही प्रचारे को लर ही सुखे न काल किन हो। भारतीय जनता से जो कुछ सबसे अच्छा है, जो रक्षा करने लायक है और जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, वह इन पंक्तियों में प्रकट हुआ है। राम की इस दृढ़ता और शूरता का चित्रण करके तुलसी ने हमारे जातीय चरित्र को गढ़ने में अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है। इसी प्रकार से कई उदाहरण इस प्रकार के मिलते हैं कि राम में जितनी धीरता है उसके साथ साथ स्थितियों से निपटने के लिए जो साहस और वीरता का भाव है वह भी उनमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से लेखक ने उदाहरण दिया है कि इसी तरह जब समुद्र राम को रास्ता नहीं देता, समझाने और विनती करने पर भी नहीं पसीजता, तब तुलसी कहते हैं, विनयन मानत जल्दी जड़ गए तिन दीन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो न प्रीति, हो न प्रीति संधाने प्रभु बिसिख कराला उठी उददी उर अंतर ज्वाला। इसी तरह रावण का अन्याय देखकर पहले दूत द्वारा राम उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन जब वह नहीं मानता तब उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए वह सत्याग्रह नहीं करते, उससे युद्ध छेड़ देते हैं। राम का सारा चरित्र आत्मपीड़ा द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध का खंडन करता है। कहना न होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है जिसे हमें अपनाना चाहिए। इसी प्रकार से लेखक ने आगे लिखा है राम का
राम के जो मानवतावादी और सामाजिकतामूलक जो भाव है उनका वर्णन करते हुए लिखा है कि रामचरितमानस में विशेष रूप से अयोध्या कांड से जो वेदना का सागर लहराता हुआ दिखाई देता है सामंती समाज में मनुष्य की वास्तविक पीड़ा से ही उत्पन्न हुआ है। माता पिता से विदा होती हुई लड़कियां, घर में पुत्र वियोग सहती हुई माता आदि के चित्र तुलसी ने समाज से लिए हैं, लेकिन इस करुणा में भी सुख सौंदर्य की चाह बादलों में बिजली की तरह कोंद जाती है। तुलसी का व्यंग और हास्य भारतीय जनता को कभी न मिटने वाली जिंदा दिली से पैदा हुआ है। वह कठिनाइयों पर हंसना जानती है, जब कठिनाई बढ़ जाती है तब व्यंग और भी पैदा हो जाता है। क्रोधी परशुराम के सामने लक्ष्मण का व्यंग, रावण की सभा में राक्षसों से गिरे हुए अंगद का व्यंग इसी तरह का है। तुलसी का व्यंग अन्यायियों अत्याचारियों के लिए है, दलितों और पीड़ितों के लिए, स्त्री और बालकों के लिए, उनके हृदय में केवल सहानुभूति है। राम के बाल रूप का वर्णन करके, कौशल्या और भरत के प्रेम का वर्णन करके एक तरफ वह हमारी मानवीय सहानुभूति को पुष्ट करते हैं, तो राम के चरित्र से वह शूरता और धीरता के भाव को पुष्ट करते हैं। इस तरह तुलसी मानव आत्मा के कुशल शिल्पी साबित होते हैं। लेखक ने आगे भी वर्णन करते हुए कहा है कि जो समाज है उसका यथार्थ वर्णन, सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों का यथार्थ वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि किस प्रकार से सामान्य व्यक्ति है वह जो उसका जीवन है वह दुखदायी है और उसको आनंद प्रदान करना और उसके दुख को दूर करने का कार्य है वह श्री राम ही कर सकते हैं। तुलसी की मानवीय सहानुभूति का आधार सामाजिक यथार्थ है। तत्कालीन समाज का जैसा भरा भरा चित्र उनकी रचनाओं में मिलता है वैसा उस समय के और किसी कवि की रचनाओं में नहीं मिलता। जनता की दरिद्रता, उसके क्लेशों का वर्णन उन्होंने बड़े ही यथार्थ ढंग से किया है। खेती न किसान को, भिखारी को, न भीख बलि बनीज को, बनीज न चाकर को चाकरी, बड़ी स्पष्टता से उन्होंने समाज में सामंतों के कुशासन का सवाल उठाया है। एक दोहे में वह देवताओं और राजाओं को स्वार्थी बतलाते हुए कहते हैं कि एक को बलि से मतलब है, दूसरे को कर से। बलि में से देखे देवता, कर्म से दानव देत, मुए मार सुविचार हित स्वार्थ साधन एव। राजा और प्रजा के संघर्ष में तुलसी प्रजा के साथ हैं। रामचरितमानस में यह प्रजा को सताने वाले राजाओं के लिए कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तेंद्र अवसी नरक अधिकारी। और भी दोहावली में वह उन राजाओं के पतन की भविष्यवाणी करते हैं जो प्रजा को सताते हैं। राज करत बिन काज ही करे कु चाली कु साज, तुलसी ते दसकंद ज्यो जई है सहित समाज। तुलसी ने दुष्ट राजाओं की भी इसी प्रकार से निंदा की है और समता के आधार पर एक सुखी समाज की भी उन्होंने कल्पना की है। इसी प्रकार से वे कहते हैं कि तुलसी का राम राज्य स्वर्ग में नहीं, अवध में है और राम में है। यद्यपि सब बेखुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस प्रिय मोहिन सोऊ, यह प्रसंग जाने को कोऊ। तुलसीदास जी ने सामंत विरोधी और पुरोहित विरोधी संसार की कल्पना करते हुए एक ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें दरिद्रता विषमता न हो और मनुष्य है वह सुखपूर्वक रह सकता है। और उन्होंने समाजवाद की ही स्थापना की है ताकि मनुष्य मात्र को जो प्रेम भाव है वह मिल सके और सभी को समान जो अधिकार है वह समाज में भी प्राप्त हो सके। वे ऐसे साहित्य के भी पक्षपाती हैं जो जनता का हित करे। कीर्ति भनिति भूति बल सोई, सुरसरी समसब कहाँ हित होई। इसलिए उनकी कविता अलंकार शास्त्र के उदाहरण पेश करने के लिए नहीं रची गई। वह प्रेम और आनंद की नदी की तरह बह चलती है, लेकिन रोमांटिक कवियों की तरह तुलसीदास कविता को स्वतः स्फूर्त प्रवाह नहीं मानते, उनमें विचार और चिंतन का योग होता है। उन्होंने एक सुंदर रूपक के विचारों के महत्व को इस प्रकार से संकेत दिया है, हृदय सिंधु मति सीप समामा, स्वाति सारद कहि सुजाना, जो बरखे वरवारी विचारु, हो ही कवित मुक्ता मनिचारु। तुलसीदास जी की स्थापना साहित्य के प्रति सामंती विचारधाराओं से ही लड़ने में मदद नहीं देती, वह पूंजीवादी साहित्य सिद्धांतों से भी लड़ने में मार्गदर्शन करती है। कला के लिए या सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त होकर प्रयोग करने की स्वाधीनता की गुहार बचाने वाले साहित्यकारों का दिल टटोलिए, हृदय सिंधु की जगह है। इनका दिल सड़े हुए पानी से भरी हुई गढ़ी की तरह है, जिसमें जनता के प्रेम के बदले देश की तरफ से उदासीनता
और साम्राज्य भक्ति के बगुले उठते हैं। ये लोग फार्म की रट लगाकर साहित्य में उच्च कोटि के विचारों के महत्व को अस्वीकार करते हैं। इनकी मति सीप के समान नहीं है जिसमें मोती निकले, वह घोंगे की तरह जो सेक्स के लिए मुंह फैलाकर अपने अंदर सिमट जाता है। जन संस्कृति, ग्राम गीतों, प्राचीन साहित्य से इतनी इनकी सरस्वती नहीं जागृत होती, न विदेश के जनवादी लेखक इन्हें अच्छे लगते हैं। इनकी प्रेरणा का स्रोत पौड़, टी एस एलियट, स्पेंडर आदि लेखक हैं जो जन शिविर के विरोधी हैं। ऐसे लेखकों का विरोध करना, जनता के हित में अपनी संस्कृति का विकास करना उन तमाम साहित्यकारों का कर्तव्य जो तुलसी की विरासत पर गर्व करते हैं। लेखक ने यही बताया है कि अधिकांश जो साहित्यकार हैं उन्हें मात्र अपनी काम भावनाओं को रचनात्मक रूप देने के लिए ही नहीं लिखना है, बल्कि अधिक से अधिक जनता के हित में और जनता की संस्कृति के विकास के लिए उन्हें साहित्य रचना करनी है, ताकि उनका जो साहित्य है वह लोगों के अधिक से अधिक उपयोग में आ सके। लेखक का यही उद्देश्य है। लेखक लिखते हैं कि उनका उद्देश्य है वह वर्णाश्रम, नारी समस्या, राजा प्रजा संबंध को लेकर कुछ वामपंथी लेखकों में फैली हुई गुमराहियों का निराकरण करना है। कोई भी लेखक अपने समय के सामाजिक यथार्थ को गहराई से देखे और अपनी रचनाओं में उसे प्रतिबिंबित किए बिना महान साहित्यकार नहीं हो सकता। तुलसी का साहित्य उनके विचारों को अलग करके महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। तुलसी के समय का सामाजिक यथार्थ क्या है? उनके समय का सामाजिक यथार्थ जर्जर होती हुई सामंती व्यवस्था है। तुलसी इस व्यवस्था के रक्षक नहीं हैं और सामंत के उत्पीड़न के विरुद्ध उनकी सहानुभूति साधारण जनों और स्त्रियों के साथ है। उन्होंने स्वयं इस उत्पीड़न का अनुभव किया था, इसलिए यह धारणा कि तुलसी नारी की प्रधान पराधीनता के हामी थे, ब्राह्मणों के खिलाफ शूद्रों की बगावत में वह ब्राह्मणों के साथ थे, उनके समुच्चय साहित्य के अध्ययन से सही साबित नहीं होती हैं। लेखक ने उन बातों को नकारा है जिसमें तुलसी पर कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं कि वे स्त्री विरोधी हैं और ब्राह्मण और शूद्रों के खिलाफ हैं। तुलसी की भक्ति समाज के लिए अफीम नहीं थी, वह जनजागरण का एक साधन थी। भक्त तुलसीदास मूलतः मानववादी हैं और उनके साहित्य की महत्ता वास्तविक सामाजिक संबंधों का वर्णन करने में है, जनसाधारण की वेदना और उससे मुक्ति की कामना का, जनता के नैतिक गुणों का चित्रण करने में है, न कि सेवक भाव से कृपा की भिक्षा मांगने में। तुलसी का ब्रह्मवाद, बहुदेवो पासना, स्वांतस्तम शांतये रचना करना एक धार्मिक आवरण भी है जो सामंती व्यवस्था के भीतर पुष्ट होने वाले जातीय आंदोलनों पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। यह आवरण मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान है वह सामाजिक तत्व जो उसके भीतर छिपा हुआ है। अंत में लेखक लिखते हैं कि तुलसी हमारे जातीय जनजागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कविता की आधारशिला जनता की एकता है। मिथिला से लेकर अवध और ब्रज तक 400 साल से तुलसी की सरसवाणी नगरों और गांवों में गूंजती है। साम्राज्यवादी सामंती अवशेष और बड़े पूंजीपतियों के शोषण से हिंदी भाषी जनता को मुक्त करके उसकी जातीय संस्कृति को विकसित करना है। हमारे जातीय संगठन के मार्ग में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच भाव के भेदभाव, नारी के प्रति सामंती शासक का रुख आदि अनेक बाधाएं हैं। तुलसी का साहित्य हमें इनसे संघर्ष करना सिखाता है। तुलसी का मूल संदेश है मानव प्रेम। मानव प्रेम को सक्रिय रूप देना, सहानुभूति को व्यवहार में परिणत करके जनता के मुक्ति संघर्ष में योग देना हमारा कर्तव्य है। आगे लेखक ने लिखा है कि तुलसी का साहित्य कला की शिक्षा देने के लिए अक्षय निधि है। उनसे हमें बार बार सीखना चाहिए कैसे उनकी वाणी जनता को इतनी गहराई से आंदोलित कर सकी। उनसे हमें गंभीर मानव सहानुभूति और उच्च विचारों की शिक्षा लेनी चाहिए जिससे साहित्य महान होता है। तुलसी की ऐतिहासिक सीमाओं की बात करके माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तुलसी पर गर्व करने की, इस बात पर दृढ़ विश्वास करने की कि जिस जाति ने तुलसी को जन्म दिया वह अजय है। इस बात पर रोष करने की कि तुलसी की संताना संसार की सबसे पिछड़ी हुई, बिखरी हुई, निर्धन और दलित जातियों में से है। जिस सामंती व्यवस्था ने तुलसी जैसे सरदय कवि को अपार कष्ट दिए थे उसकी तरफ कभी तटस्थ न रहना चाहिए। जनता की एकता हमारा अस्त्र हो, संघर्ष हमारा मार्ग हो और ऐसा समाज हमारा लक्ष्य हो जिसमें पीड़ित और अपमानित मनुष्य को हताश होकर रहस्यमय देव की तरफ हाथ न उठाना पड़े। एक कार्य में एक चिरंतर प्रेरणा की तरह तुलसीदास हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस प्रकार से
इस निबंध में तुलसी के सामंत विरोधी मूल्य, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य के अंतर्गत लेखक ने तुलसीदास जी के जो समाजवादी और मानववादी और मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम की जो भावना से परिपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनका लेखक ने वर्णन किया है और उन सभी बातों को का विरोध किया है जो कि सामंतवादी संस्कृति को का पोषण करते हैं, पूंजीवादी संस्कृति का पोषण करते हैं और जो पुरोहितवादी संस्कृति है उसका पोषण करते हैं, उन सबका विरोध करते हुए तुलसी की जो दृष्टि है मानववादी समाजवादी दृष्टि है उसका लेखक ने वर्णन किया है। इस प्रकार से यह निबंध अपने तीसरे भाग में यही पूर्ण होता है। धन्यवाद।